कि आप खैरियत से होंगे, रब दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इंस्पेक्ट द गॉड ऑफ ऑनर एट रेड फोर्ट ऑन 76th इंडिपेंडेंस डे। तो भाई साहब, सबसे पहले आप तमाम भाइयों और बहनों को भाई हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है ना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई विश कि आप ज्यादा तरक्की करो और यूनिटी आपकी बरकरार रहे और इसी तरह देश आपका आगे बढ़ता रहे। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। गो ऑन करते हैं, स्टार्ट। देश के इतिहास में यादगार पल आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। भारत का ये गौरवशाली अवसर और लाल किले के दक्षिणी छोर से लाहौरी दरवाजे की ओर बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात यहाँ पधार रहे हैं। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाएंगे। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच की ओर ले जाएंगे, जहां अंतर सेना और दिल्ली पुलिस गारद के जवान उन्हें सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The Prime Minister's Guard of Honor assembled here just outside the Lahore Gate as the Prime Minister arrives here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उनकी अगवानी की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। Wing Commander Kunal Khanna, who is commanding this guard of honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the guard of honor. And when the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. Thank you.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahore Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation. And today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give us context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद लाहौरी दरवाजे से अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, और आज के स्वागत में विशेष रूप से दो हाथी भी वहां मौजूद, और इधर 41 फीट ऊंचे और 24 फीट चौड़े लाहौरी गेट से गुजरकर प्राचीर पर पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सब चलें जी, वीडियो खत्म हो गई, और छोटी सी वीडियो थी, बहुत ही प्यारी थी, और जिस तरह वो रेड फोर्ट को सजाया हुआ था भाई, वो तो आज भी वेल मेंटेन लग रहा था, और जो पार्क थे ग्रीन और दरख्त हरे भरे भाई जी, और उसके साथ जो वो फूल लगे थे, और साथ में जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी जो तस्वीरें लगी थी, और वो तो भाई और भी दिल खुश हो गया कि जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, तो जो भाई कौम के हीरो थे, हीरो हैं, उनको याद करना बनता भी है। और भाई बड़ा अच्छा लगा देख के, और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का काफिला जो एंटर हुआ, और जिस तरह उनका स्वागत किया गया भाई मुख्तलिफ फोर्सों ने, और भाई उनके उनमें बात और सादगी देखी, उनकी सादगी बिल्कुल, और जो उसने वो पगड़ी टर्बन जी पहनी पगड़ी, वो तो बड़ी प्यारी लग रही थी उनके, और एज भी काफी होगी वैसे भी, मतलब क्या ना, ऊपर वो जो उठाते हैं ना, वो पगड़ी के ऊपर होता है पूरा, वो मतलब ऊपर नहीं उठाया, नीचे ज्यादा जो था, हाँ वो स्टाइल होता है, नहीं स्टाइल भी होता है, और ये मतलब के सादगी की अलामत भी है ये जो, हाँ जो फखर और प्राउड की होती है ना, गरूर की, वो ऊपर वाली होती है। अच्छा, मतलब ये सादगी की मिसाल भी है, तो दोनों है ना, ऊपर भी है और नीचे भी, नहीं इतना मतलब ऊपर नहीं था ना, तो जो रेड क्लीन जो है वो का है, वो बिछे हुए थे हर चारों तरफ, जहाँ जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी गए, और जिस तरह उनका स्वागत किया गया, और बहुत ही प्यारा माहौल बनाया गया था भाई जी। और ये डिजर्व भी करता, और मुझे सबसे जो यूनिक लगे ना, वो हाथी लगे भाई वो जिस तरह हाथी दरवाजे के ऊपर वो हाथी स्वागत कर रहे थे, अच्छा मौसम को लगा कि वो हाथी नकली थे। अब इंडिया में हाथी तो वैसे भी होते हैं भाई, इंडिया का मेरे ख्याल जानवर के शांति से खड़ा था ना, जब मुझे सर गुजरने लगे तब उसने भी सलामी पेश की, और मैं उसके ना पाँव की तरफ देख रहा, बिल्कुल मतलब उसके नाखून जो है वो बिल्कुल सफेद लग रहे थे, चमक रहे थे, और वो बिल्कुल सिर्फ गर्दन ही हिला रहा था, बाकी जो है ना वो इतना हिल नहीं रहा था, शायद इसलिए मौसम को लगा हुआ कि वो नकली है, तो ये भी अगर लेकिन असली होंगे नकली इधर क्यों ला के कड़ा कर रहा है। मुझे जो लगा मतलब ये किले का पहले ये मेरे ख्याल में लाहौर की तरफ होगा शायद गेट का मुंह, इसीलिए रुख की जैसे होगा, तो भाई जो माहौल था वो बहुत ही प्यारा था, और जिस तरह जी मेंटेन किया गया था, वो सबसे जो यूनिक लगा वो जो सामने जब गुजरे थे ना वो रेड कार्पेट के ऊपर, और जो हाथी बने हुए थे, और वो जो केसरी कलर के जो फूल उसमें बने हुए थे, सही बात, वो बड़ा भी प्यारा लगा, और उसमें 2022 लिखा था, और 76 मतलब तमाम जो उनके तैयारियां की हुई थी, हाँ, एक से एक बढ़कर कमाल था भाई। और ये देख रहे हैं कि ये जो है ये नरेंद्र मोदी, आप ये छोटा मोटा तो त्योहार था नहीं, तो ये डिजर्व भी करता था ये दिन उनके लिए, और भाई बड़ा ही अच्छा लगा देख के, और भाई आप तमाम भाइयों को और बहनों को भाई हमारी तरफ से बार बार वो वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए ढेरों सारी खुशियां लाए, और इसी तरह यूनिटी बनी रहे, और आपका देश तरक्की करे, और भाई हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारे जो देश में जो
प्रॉब्लम विवाद चल रहे हैं वो भी सही हो जाएं और हमारा देश भी ऊपर उठ सके और ऊपर वाला हमारे देश को भी आप जैसे ये जो लीडर आपको मिले हुए हैं ऐसे लीडर हमें भी मिले जो देश को आगे ले जाने की बात करें ना कि अपनी पार्टी को और अपने खानदान को ले जाने की बात करें। ऐसे लीडरों की वजह से आज इंडिया आगे है और पाकिस्तान पीछे है। सही बात है। तो ये भाई लीडरों का बड़ा फर्क होता है। आवाम भी आपकी अच्छी है भाई, पढ़ी लिखी है, कंट्री के लिए हर बंदा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। सही बात। और जहाँ पे हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत कम लोग है, वो परसेंटेज जो है ना वो मैं कहता हूँ ठीक है भाई। और बार बार आपको बहुत 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 बधाई हो, मुबारक हो आपको और खुश रहे, अल्लाह ताला आपको ज्यादा से तरक्की दे। ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।